किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, जिन भाइयों के पौधे एक वर्ष, डेढ़ वर्ष, तीन महीने के हैं, अमरूद के पौधे, वे भाई सर्दियों में क्या देखभाल करें, आज मैं इस पर चर्चा करूँगा। किसान साथियों, ये जो पेड़ है जिसके पास मैं खड़ा हूँ, ये थाई पिंक का पेड़ है, ये देखिए। और ये पेड़ फरवरी 2019 में लगाया था मैंने, आप देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है ये। और अब मैंने कुछ पेड़ों की शाखाएं नहीं काटी हैं और बाकी जो अधिकतर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने उनकी कटिंग कर दी है। इनकी शाखा मैंने इसलिए नहीं कटाई कि कुछ किसान भाई मेरे बाग पर आए और यहाँ आकर उन्हें यह अमरूद बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे कहा कि त्यागी जी, हमारे लिए कुछ पौधे, जो उन्होंने मुझे क्वांटिटी बताई है, उसके आप जून के लिए तैयार करा दीजिए। इसलिए मैंने कुछ पौधों की कटिंग नहीं कराई। किसान साथियों, ये वो तीन लाइनें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो आधा भाग है, 60 पौधे हैं, वो ताइवान पिंक के हैं, और जो 60 पौधे हैं दूसरे, उनमें कुछ थाई पिंक है, कुछ ताइवान पिंक ग्राफ्टिड है जो मैं जयश्री नर्सरी से लाया था, और कुछ VNR के पौधे हैं। ये सभी 1 साल 4 महीने के पौधे हैं। आपको मैं अब दिखाता हूँ एक एक करके इन पौधों को, और फिर ये बताऊँगा कि इनमें मैं क्या सावधानियाँ ले रहा हूँ और मैंने सर्दियों से बचाने के लिए और अगले वर्ष सर्दियों की अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या कार्य करिए, आइए देखते हैं। किसान साथियों, ये पौधा देखिए, ये VNR का है जो मैं जयश्री नर्सरी बनारस से लिया था, और इस पर मैंने लगभग 800 ग्राम का अमरूद लिया है इस बार। अभी भी आप देखिएगा, ये देखिए कि इस पर ये दो अमरूद छोड़े हुए हैं, और ये कितने बड़े अमरूद हैं, ये देखिए कितने बड़े। ये पौधा ताइवान पिंक का है, ग्राफ्टेड पौधा है जो मैंने जयश्री नर्सरी बनारस से लिया था, और देखिए कितना अच्छा अमरूद है। इसके अमरूद हमने खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए, ये भी अमरूद है, मैंने कुछ अमरूद छोड़े हुए थे, ये देखिए, ये भी ताइवान पिंक है और ये भी ग्राफ्टेड पौधा है, और कितने अच्छे अमरूद हैं। किसान साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब तक पौधे 2 वर्ष के नहीं होते, तो उस पर कैसा अमरूद आएगा या वो गोल होगा, थोड़ा लंबा होगा, तो आप सही रूप से नहीं कह सकते। जब तक पौधा 2 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद ही फ्रूट का साइज और शेप सही बाइनों में फिक्स होता है। किसान साथियों, ये जो पौधा है, ये थाई पिंक का पौधा है, और मैं अब आपको ये बताता हूँ कि मैंने इनमें सर्दियों में क्या क्या काम किए हैं। आप ये देखिए कि मैंने इनकी 15 अक्टूबर के आसपास, ये देखिए, ये कटिंग कर दी थी, ये इनकी कटिंग कर दी थी यहाँ से, ताकि इसकी अनावश्यक बढ़वार न हो। वैसे भी सर्दियों में बढ़वार नहीं होती, लेकिन अब क्या होगा इसमें कि मैंने जब ये बढ़वार रोक दी, तो यहाँ से आप देखियो, ये इसमें कल्ले चल पड़े हैं, ये देखिए, ये कल्ले चल पड़े हैं, ये चल रहे हैं कल्ले, देखिए ये कल्ले निकल पड़े हैं। और अब इनको मैं कुछ नहीं करूँगा, और ये कल्ले मैं मई तक चलने दूँगा। जिस समय मई 2021 का समय आएगा, तो ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो इतना बड़ा पौधा होगा, और उस समय मैं इसकी फिर कटिंग करूंगा, बहुत थोड़ी कटिंग करूंगा, और ये मुझे भरपूर मात्रा में फल देगा। उस समय फरवरी की कटिंग मैंने अवॉइड की है, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण कि मैंने इसकी बढ़वार जो है ना, जो अनावश्यक थी, वो रोक दी है, और वो सारी जो इसके भोजन और जो भी इसका खान पान है, वो इसकी डंडियां मजबूत करेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा लगभग 6 इंच के एरिया में ये मिट्टी लगाई हुई है, ताकि मेरा पौधा गिरे ना। इसके बाद ये लगभग 2 फीट दूर तक मैंने यहाँ पर हल्की खुदाई, ध्यान रखना आपको थाला नहीं बनाना है, हल्की खुदाई करनी है, क्योंकि जो भोजन वाली जड़ें होती हैं वो 3 इंच नीचे होती हैं।
अगर आपने गहरी खुदाई कर दी तो भोजन वाली जड़ें कट जाएंगी, और भोजन वाली जड़ें कटने के लिए हमें सिर्फ उस टाइम करना पड़ता है जब हम पौधों में फसल लेते हैं। अभी हम फसल ले नहीं रह रहे हैं, इसलिए हम उन जड़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने इसमें ऊपर ऊपर लगभग 10 से 15 किलो प्रोम डलवाया है। आपको पता है कि मैं खाद में रॉक फॉस्फेट मिलाकर अपना एक प्रोम तैयार करता हूँ। मैंने 10 से 15 किलो वो मिलवाया है, और इनमें लगभग थोड़ा मैंने DAP लगाया है, थोड़ा पोटास लगाया है। वो अपने पौधों की जितनी उनकी उम्र और उसके हिसाब से लगाया है। और अब मैंने ये देखिए, ये ड्रिप बिछा दी हैं दोनों। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने ड्रिप देखी, ये मेरी इन लाइन ड्रिप है कि ये लगभग यहाँ से तने से लगभग 1.5 फीट दूर है। अगर आप देखोगे कम से कम 1 और 1.5 फीट दूर है। किसान साथियों, इसमें 1, 2, 3, 4 छेद इधर हैं और 4 छेद इधर, 4 ड्रिपर इधर हैं, 4 इधर हैं। इसे अगर मैं 1 घंटा चलाऊंगा तो पौधे में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहेगी। अभी आप देखिए यहाँ से ड्रिप चली है, और अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने ये बताया था, ये देखिए अभी मिट्टी में इसमें नमी है, देखिए लड्डू बना हुआ है। अगर ये लड्डू बन जाता है, इसका मतलब आपके पौधे में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से ये खुल जाता है तो आपको पानी देने की आवश्यकता है। किसान साथियों, पौधे में प्रतिदिन या प्रति 3 दिन में या प्रति सप्ताह कितना पानी देना है, ये आप किस भाग में रहते हैं हिंदुस्तान के, उस भाग, आपकी मिट्टी और आपके पौधे कितनी उम्र के हैं, उस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पौधों में नमी बनाए रखें। वो नमी आपको रोज़ पानी देकर मिलती हो, या 3 दिन पानी देकर मिलती हो, 4 लीटर पानी देकर मिलती हो, 8 लीटर पानी देकर मिलती हो, 10 लीटर मिलती हो, वो सब आप अपने पौधों के अनुसार करिए। सर्दियों में हमें इनमें हल्की नमी बनाए रखनी है, और इनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आप बायो करते हैं, अपना जीवामृत का स्प्रे करिए। आप अगर बायो में कोई NPK का कल्चर लेते रहते चाहते हैं तो आप कंसोर्सियम का स्प्रे करिए, और अगर आप केमिकल और जैविक दोनों मिलाकर करते हैं तो आप NPK 19-19-19 को 15 दिन में एक बार अवश्य। साथियों, ये मेरा ताइवान पिंक क्लोन का पौधा है जो फरवरी 2020 की प्लांटेशन है, और देखिए इस पर मैंने एक अमरूद ले लिया, कितना खूबसूरत अमरूद है। ये देखिए, ये कम से कम भी 250 ग्राम का अमरूद होगा, कितना खूबसूरत। ताइवान पिंक क्लोन है, और देखिए कितने 2 अमरूद लगे हुए हैं। और ये टहनी जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे स्ट्रक्चर मजबूत करना है। ये देखिए, ये इसे भार नहीं सह पा रही है ये टहनी, मुझे इसे कुछ इसकी सपोर्ट चाहिए। तो मैं कुछ 1-2 अमरूद ताकि किसानों को दिखा सकूँ कि कैसा होता है, ये मैं करता हूँ। और मेरे पास काफ़ी मात्रा में लोगों ने ताइवान पिंक के पौधे फरवरी के लिए बुक कराए। किसान साथियों, मैंने इसकी कटिंग की हुई है, मैं चाहता था कि सब शाखाएं मजबूत हो, और फरवरी के बाद ये भरपूर जो इसमें बढ़ोतरी हो, और फिर मई में मैं इसमें मेरी, मैं बता नहीं सकता कि मेरी कितनी इच्छा कि मैं इससे कितने अमरूद लूँगा, और मैं तब आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये काम आप अवश्य करें अपने यहाँ इसके आसपास। ये देखिए, मैंने अगर इसकी कैनोपी देखो तो यहाँ तक थी, तो मैंने लगभग ये 1 फीट 2 फीट 3 फीट चारों ओर इसको साफ़ कराया है, लगभग 2-2 इंच गहराई तक गुड़ाई कराई है, उसमें खाद दिया है, खाद देने के बाद मैं इसे मिलवा दिया है, और अब मैं प्रत्येक सप्ताह इनमें 1 घंटा ड्रिप चलाता हूँ। और जब ड्रिप चलाता हूँ तो ये देखिए अभी भी नमी आई हुई है इसमें, ये देखिए। लेकिन मेरी वो जो यहाँ पर है, ये देखिए नमी आती है, पानी नहीं आना, आपको यहाँ तक पानी टच नहीं होना चाहिए। साथियों, मेरे पास बहुत लोग फोटो भेजते, लगभग 100 से 150 किसान रोज़ मेरे पास नींबू और उसके अमरूद के फ़ोटो भेजते हैं। मुझे बहुत दुख होता है उन फ़ोटो को देखकर कि उनमें उन्होंने गड्ढे बनाए हुए हैं, और वो गड्ढे में ड्रिप लगाई हुई है। और एक भाई ने तो ऐसे फ़ोटो भेजे कि उसमें पानी दिख रहा था। आपको फिर याद दिला दूँ, आपको पौधे के चारों ओर नमी बनानी है, आपको पानी नहीं देना है। पानी जो ड्रिप चलेगी वो दूर चलेगी, अगर आप फ्लड से करते हैं तो आप इतना पानी दीजिए कि वो लगभग 15-20 मिनट में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। किसान साथियों, ये देखिए ये मेरे कितने खूबसूरत पेड़ हैं,
जो फरवरी 2020 की प्लांटेशन है, और ये दूसरी ओर भी देखिए, यहाँ से ये देखिए कि कितने अच्छे प्लांट हैं, और अगले साल ये बाग अपने पूरे सवाब पर होगा अगली सर्दियों के। साथियों, मैंने बताया है कि सर्दियों के लिए पौधों के बचाव किस प्रकार करते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, आप ये देखिए किसी किसी पौधे में आपको इस प्रकार ये ब्लैक स्पॉट से दिखाई देंगे, ये जो निकल रही है जो नई पत्तियाँ, इनमें ये ब्लैक हो रही हैं। ये देखिए इस पत्ते में साफ है बिल्कुल, लेकिन इसमें ये ब्लैक हो रही है, इसका क्या कारण है? किसान साथियों, ये मॉइस्चर की वजह से फंगस है। सुबह को ओस पड़ती है, काफ़ी हद तक रहती है, जो नई पत्तियाँ निकलती हैं उनमें फंगस आ जाती है। आप फंगस के लिए अगर आप जो भी खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं आप वो करिए, आप अगर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करते हैं तो वो भी करिए, और अगर आप केमिकल करते हैं तो एक केमिकल आता है हेक्साकोनाजोल, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसी से भी पूछ लीजिए, आजकल बहुत लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो आप दवाई पूछिए और उनसे पूछिए कि मेरे ऐसे पत्तों में फंगस आई हुई है और मुझे क्या दवाई डालनी है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब कार्य आपको करना है, पौधे आपके हैं, जितने भी कार्य होने थे मैंने सभी बता दिए। किसान साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।